हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर DCM पेपर नंबर 9। माई सेल्फ कुलदीप राठौर, टीम मैथमेटिक्स, CLC सीकर। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ थ्री पॉजिटिव रियल नंबर ABC आर इन AP एंड ABC इक्वल टू 8, देन वैल्यू ऑफ B कैन बी। अपने को पता है ABC किस में है? AP में, ठीक है। ABC AP में, तो 2B इक्वल टू क्या हो गया? A+C। और एक चीज अपने को पता है कि AM इज ग्रेटर देन GM, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ए प्लस सी का ए एम क्या होगा, वो ए प्लस सी के जी एम से बड़ा होगा, ए और सी के जी एम से। ए प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे 2B है, तो 2B पुट कर दो, 2B/2 B, और स्क्वायर कर देंगे तो B² इज ग्रेटर देन AC। अब देखो अपने पास में ABC का वैल्यू गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करके ABC का वैल्यू पुट कर देंगे, B³ इज ग्रेटर देन ABC। तो ये क्या हो गया, B³ इज ग्रेटर देन 8, तो B इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो B का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये की है। नंबर टू क्वेश्चन इज अपने को क्या गिवन है, साइन अल्फा कोस अल्फा हैव देयर GM इक्वल टू साइन बीटा, देन वैल्यू ऑफ कोस 2 बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास में, साइन स्क्वायर बीटा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब अपने को किसका वैल्यू पूछा है, कोस 2 बीटा का, तो कोस 2 बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - 2 sin² बीटा होता है ना, 2 × sin α cos α, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 - sin 2α। अब साइन 2α को अपन किस में कन्वर्ट कर दे, कोस 2α में, 1 - cos π/2 - 2α। 1 - cos θ क्या होता है, 2 cos²θ/2, 2 cos²π/4 - α। अब देखो ये वाला ऑप्शन कौन से मैच कर जाएगा आपका, चलो इसको और कन्वर्ट करना पड़ सकता है, 2 साइन में कन्वर्ट कर लो, π/2 - π/4 - α। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 sin²π/4 + α, 2 sin² फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए GP फर्स्ट टर्म एक्सीड सेकेंड टर्म बाई 2 एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP इज 50। अच्छा ऐसे GP है कोई अपनी, AR² ऐसे GP है, तो उसमें बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म एक्सीड करता है सेकेंड टर्म से बाई 2, तो A इक्वल टू AR+2, इक्वेशन नंबर 1। एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP इज 50। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, A/1 - R, ये कितना है 50। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आ गया A=50 × 1 - R। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी, यहाँ से A, फर्स्ट इक्वेशन से A × A² A × 1 - R का वैल्यू क्या हो गया, 2 1 - R। इसको इससे A का वैल्यू पुट कर दो, 50 × 1 - R × 1 - R, तो ये कितना हो गया 2। तो 1 - R² का वैल्यू आ गया अपने पास में 1/25। तो 1 - R क्या हो गया 1/5, R का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5, और R का वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 4/5 1/5, तो A का वैल्यू आ जाएगा 10। तो A का वैल्यू 10 और R का वैल्यू 1/4/5, फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। देखो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैसे तो दिखने में एक जैसे होते हैं, तो अपन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट चेक कर लें पहले। देखो
कैसे करेंगे, पहले पी का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होता है एन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स बाई ए। एन क्या है, 11 प्लस 1, 12 अपॉन 1 प्लस एक्स कितना है, 5x, सॉरी 3 अपॉन 5 माइनस 5x, माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन 5, कितना आ गया, 5 से 5 कैंसिल, 3 प्लस 1 4, 12 में डिवाइड करेंगे तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास में, 3। तो देखा जाए तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन कौन से हो गए, टी थ्री और टी फोर, है ना। तो टी थ्री क्या आएगा, 11c, 2, 3 की पावर 11 माइनस 2 9, और 5x की पावर 2, तो ये कितना आ गया, 3 की पावर 9, 11c 2 कितना था, 55, और ये 3 की पावर 9, और ये x की जगह 1/5 रख देंगे, माइनस 1 की पावर 1, तो ये कितना आ गया, 3 की पावर 9। और टी फोर क्या आएगा, 11c 3, 3 की पावर 8, और 5x, माइनस 5x की पावर 3, तो ये आ जाएगा माइनस 1, और ये 11c 3 कितना होता है, 11 × 10 × 9 / 3 × 2 × 3 पावर 8, देखो 3 3 जा, और ये 5, तो ये तो 55, और ये 3 की पावर 9, बट ये माइनस हो रहा है ना पहले, तो -55 × 3 की पावर 9। देखो ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो गया, ये वाला। तो कौन सा टर्म है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन वैनिशेस। तो ये एक्सप्रेशन वैनिशेस हो रहा है किसके लिए, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, तो इसको कर देते हैं जीरो के इक्वल, 3 की पावर x - 8 + x - 2 = 0। इधर जाके कितना हो जाएगा, 2 - x और 3 की पावर, 3 की पावर x - 8 = 3 की पावर 2 - x, ठीक है। 3 की पावर x नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर रह जाएगा, 3 की पावर x - 8 9 / 3 की पावर x। 3 की पावर x को t मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, t² - 8t - 9 = 0। तो t का वैल्यू क्या आ गया अपने पास में, 9 और माइनस का 1। t क्या है, 3 की पावर x, देखो 3 की पावर x - 1 तो हो नहीं सकता, तो 3 की पावर x किसके इक्वल होगा, 9 के, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2। तो अपने पास में फर्स्ट टर्म आ गया जीपी का, a = 2। अब क्या ज्ञात करना है इसमें, इफ द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज कॉस 23 π/3, r का वैल्यू अपने को गिवन है क्या, कॉस 23 π/3, तो कितना आ जाएगा ये, इसको ऐसे लिख दे, कॉस 24 π - π/3, ये हो जाएगा कॉस 8 π - π/3। यहाँ से क्या वैल्यू आ गया, कोस पाई बाई थ्री आ जाएगा ये, 2π - θ, तो आर कोस पाई बाई थ्री कितना हो गया, आर का वैल्यू 1/2। फर्स्ट टर्म आ गया, आर आ गया अपने पास में, तो इनफाइनाइट जीपी है, उसका सम निकालना है, क्या आ जाएगा, a/(1 - r), 2/(1 - 1/2, 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन है, इसका सम निकालना है, तो ठीक है इसको अपन मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/3 × s, और एक स्टेप आगे लिख देता हूँ, 1 × 1/3 + इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 + 1/2 × 1/3, और 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, प्लस 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर × 1/3 का क्यूब,
अब क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, देखो वन यहाँ पे तो वन आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वन इंटू वन बाई थ्री, इसमें वन इंटू वन बाई थ्री, इसमें क्या बच जाएगा, वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री, और इसमें वन प्लस वन बाई टू, वन प्लस वन बाई टू, वन बाई थ्री स्क्वायर, वन बाई थ्री स्क्वायर, तो अकेला यही बचेगा, वन अपॉइंट टू स्क्वायर प्लस वन इंटू वन अपॉइंट थ्री स्क्वायर, ऐसे चलती जाएगी। और इधर क्या है, एस माइनस वन बाई थ्री एस, तो टू एस बाई थ्री। अब देखो ये इनफाइनाइट जीबी बन गई, फर्स्ट टर्म क्या है इसका वन, और कॉमन रेशियो वन माइनस वन बाई सिक्स, तो ये कितना आ गया, सिक्स बाई फाइव, तो अपने पास में टू एस बाई थ्री का वैल्यू आ गया सिक्स बाई फाइव, तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, नाइन अपॉन फाइव, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर सेवन, क्या कैलकुलेट करना है, एन सी आर इक्वल टू दिस एन माइनस वन सी आर, एन एन माइनस, एन माइनस वन, एन माइनस वन सी आर, एन माइनस वन सी आर क्या हो गया, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री, और ये एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये आएगा, तो ये तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल और ये एन फैक्टोरियल, क्या बच जाएगा, एन बच जाएगा, और यहाँ पे आर प्लस वन फैक्टोरियल, यहाँ पे आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी आर प्लस वन बच जाएगा, ये के स्क्वायर माइनस थ्री, इसका वैल्यू क्या आ गया, आर प्लस वन अपॉन एन, तो यहाँ से देखें तो देखो एन सी आर प्लस वन, तो एन किससे बड़ा होना चाहिए, आर प्लस वन से, एन इज ग्रेटर देन आर प्लस वन, और जीरो से भी, तो आर प्लस वन से बड़ा होना चाहिए, तो एन अपॉन आर प्लस वन, ये वन से बड़ा होना चाहिए, या फिर अपन बोले आर प्लस वन किससे छोटा होना चाहिए, अपॉन एन, वन से छोटा होना चाहिए, तो ये लगा दो, के स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन वन, इक्वल टू भी तो हो सकता है, तो के स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन जीरो, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐसा, जिसका सबसेट ये वाला बन, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा, द कोफिशियंट ऑफ x पावर n, इसमें कोफिशियंट ऑफ x पावर n निकालना है, देखो इसमें टोटल टर्म कितनी है, एन टू एन प्लस वन सी जीरो वन टू एन तक, तो कितने टोटल टर्म है, एन प्लस वन, अपने को एक्स पावर एन देखना है, तो एन टर्म में तो क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स, और बाकी में कांस्टेंट, एक कांस्टेंट लेना है और बाकी सब में से एक्स लेना है, तो इस क्या कांस्टेंट लेंगे, बाकी सब में से एक्स लेंगे, तो अपने पास में क्या आएगा, कोफिशियंट टू एन प्लस वन सी जीरो, इसमें से लेंगे तो टू एन प्लस वन सी वन, 2n plus c2, ऐसे करके 2n plus 1 cn, देखो ये आधे टर्म है इसके एक्सपेंशन में, किसके, 1 plus x की पावर n 2n plus 1 के एक्सपेंशन, है ना, इसके टर्म में 2n plus 2 टर्म आते और ये n plus 1 टर्म, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2n plus 1 अपॉन 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2n, कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन, अपने को गिवन क्या है इसमें, आई प्लस एफ, आई प्लस एफ का वैल्यू गिवन है, एक कोई टर्म है आई प्लस एफ, ठीक है, इसमें क्या है, फाइव प्लस टू रूट सिक्स टू द पावर एन, अपन एक टर्म मान लेते हैं एफ डैश इक्वल टू फाइव माइनस टू रूट, ये देखो फ्रैक्शन ही होगा दोनों, f भी फ्रैक्शन है और f डैश भी फ्रैक्शन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, i प्लस f प्लस f डैश, क्या आएगा, इसमें से
एक तो आएगा एन सी जीरो फाइव की पावर एन, फिर एन सी टू फाइव की पावर एन माइनस टू, और 2√6 का स्क्वायर, ऐसे चलते जाएंगे। सेम इसमें से भी आएंगे, बाकी इसमें एन सी वन वाला आएगा, इसमें नेगेटिव वाला आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगी। ये क्या है, इवन हो जाएगा। अब अपने को पता है कि एफ का वैल्यू किसके बीच में है, वन से तो छोटा है, एफ का वैल्यू वन से छोटा है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। एफ डेस का भी वैल्यू सेम ही है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ प्लस एफ डेस का वैल्यू वन से, 2 से छोटा और 0 से बड़ा। अब 2 हो नहीं सकता, तो इसका वैल्यू 2 नहीं हो सकता, और ये इवन है, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, एफ प्लस एफ डेस का वैल्यू 1। ठीक है, अब आई प्लस एफ डेस का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, 1 माइनस एफ, या फिर एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एफ डेस। अब देखो अपने को पता है आई प्लस एफ और एफ डेस को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 2 एफ डेस, 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2√6, इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, एन। ये कितना हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 1 आ गया, तो अपने पास में आ गया आई प्लस एफ, और एफ डेस को गायब करना है यहां से, तो एफ डेस का वैल्यू क्या है, 1 माइनस एफ इक्वल टू 1, आई का वैल्यू आ गया 1/(1 - f) माइनस एफ, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में अपने को टर्म इंडिपेंडेंट देखना है। 1 प्लस √a/(1/√a - 1), तो ये एलसीएम लेके इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, a-1, a-1 + 1/√a - 1 की पावर -30। ये क्या है, 1 और -1 कैंसिल हो गया, और ये -30 पावर है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, √a - 1/(a)⁻³। √a - 1/(30)⁻³। देखो a⁻³ नीचे सब में आएगा, तो इसमें से कोई भी टर्म ऐसा नहीं होगा जो a से इंडिपेंडेंट हो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, द वैल्यू ऑफ दिस, ये कोई सिग्मा दिया हुआ है, इसके अंदर अपने को ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, 11 फैक्टोरियल/(11 - r factorial) और r factorial/(11 - r - 1 factorial) / 11 - r, तो 12 - r हो जाएगा ये, और इंटू आर स्क्वायर, इसके ऊपर सिग्मा लगाना है, आर इक्वल टू 1 to 11। देखो यहाँ पे r-1 है, ऊपर r है, तो ये r बच जाएगा, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 11 - r है, यहाँ 12 - r, तो ये 12 - r बच जाएगा, तो 12 - r ऊपर चला जाएगा, r नीचे रह जाएगा, एक r से r ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल देखो क्या आएगा, एक तो r 12 - r और एक r ये बच रहा है इंटू r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, r इक्वल टू 1 to 11, 12 r - r²। अब सिग्मा लगा दो, 12 σ r - σ r², सिग्मा r 11 तक लेके जाना है, तो 11 × 12/2 - ये क्या हो जाएगा, σ r² 11 × 12 × 11, 2 × 11 22 23/2, तो ये वाला सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में वैल्यू ऑफ दिस, ये उसी की तरह सेम तरीके से करना है अपने,
इसमें भी सेम सी के, सी के क्या है 10 सी के है, तो 10 सी के का वैल्यू रख दो, 10 फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस के अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन के माइनस वन और 11 माइनस के फैक्टोरियल, इसका क्या है क्यूब है और साथ में क्या है के क्यूब, सिग्मा लगा हुआ है इसमें, के इक्वल टू 1 to 10। अब देखो इसमें क्या है 10 फैक्टोरियल एज इट इज कैंसिल, के फैक्टोरियल के माइनस वन, तो यहाँ पे के बच जाएगा और 10 माइनस के यहाँ पे और 11 माइनस के यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो के बचेगा और 11 माइनस के, 11 माइनस के ऊपर और के नीचे, देखो ये क्या बन रहा है के क्यूब 11 माइनस के अपॉन के इसका ऑल क्यूब, के क्यूब और ये कैंसिल, तो क्या बन गया 11 माइनस के, के का वैल्यू पुट करते जाओ क्या क्या आएगा अपने पास, के का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 10 क्यूब, फिर 9 क्यूब, ऐसे करके 1 का क्यूब, इन 1 to 10 तक के क्यूब को ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा 10 into 11 upon 2 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 CR इक्वल, इसमें सिग्मा लगाना है अपने को, चलो लगाते 20 CR, R का वैल्यू कहां तक लेके जाना है अपने को 10 तक, क्या आएगा 20 C0 प्लस 20 C1 20 C2 20 C10। देखो 20 C9 और 20 C11 सेम होता है, यहाँ पे 20 C9 है, 20 C9 इसको डबल कर दूँ, तो क्या आ जाएगा 20 C0। अब 20 C0 डबल है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 20 C20, डबल किया है तो 1/2 भी करना पड़ेगा अपने को, ट्वेंटी सी जीरो, ये तो 20 C0, 20 C1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 C19, ऐसे चलते जाएंगे सारे। अब देखो 20 C10 ये डबल आ गया, बाकी तो सब एडजस्ट हो गए, तो इसको एज इट इज साइड में 20 C10, ये बताओ कितना हो गया 2 power 20 प्लस 20 C10, हाफ चलता जा रहा है इनके साथ में ऑलरेडी, ये कितना होगा 2 की पावर 19 प्लस 1/2 into 20 C10, कौन सा ऑप्शन सही हो गया 2 की पावर 3rd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आपने, क्वेश्चन नंबर 14 सिग्मा कुछ दिया हुआ है, सिग्मा में आर प्लस टू अपॉन आर प्लस वन, तो आर प्लस टू को क्या लिख देंगे आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इंटू एन सी आर, अब ये डिवाइड करेंगे तो ये तो वन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1 upon r plus 1 to n c r, दोनों के साथ में ये एन सी आर इसके साथ में आ जाएगा पहले तो, फिर एन सी आर 1 upon r plus 1, देखो मैं इसको n प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये मर्ज होके क्या बन जाएगा n प्लस 1 सी आर प्लस 1, एन सी आर 1 upon n plus 1, इसको पहले लिख देते n प्लस 1 सी आर प्लस 1। अब सिग्मा अप्लाई करना है r इक्वल टू 0 to n, तो ये 0 to n ये तो क्या बन जाएगा अपने पास में 2 की पावर n प्लस 1 upon n plus 1 आएगा, अब इसमें सिग्मा अप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा n प्लस 1 सी 0 प्लस 1, तो n प्लस 1 सी 1 प्लस n प्लस 2 n प्लस 1 सॉरी n प्लस 1 सी 2 और n प्लस 1 सी 3, ऐसे करके n प्लस 1 सी n प्लस 1। देखो इसमें एक टर्म मिसिंग है n प्लस 1 सी 0, तो अपन उसको माइनस करके लिख देंगे
तो क्या बनेगा, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, और ये क्या है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n 1 अपॉन n प्लस 1। अब ये किसके इक्वल है, 2 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 6, यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा अपने 5, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें क्या करना है अपने को, ए एन का वैल्यू गिवन है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए एन का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 अपॉन C0 प्लस 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन CN, ये क्या है ए एन का वैल्यू, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको कर लो, इसको मान लेते कि ऐसे ही 0 अपॉन C0 प्लस 1 अपॉन C1 प्लस 2 अपॉन C2 प्लस n अपॉन CN। अब इसी को रोटेट करके मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो क्या बनेगा, ये n अपॉन CN को क्या लिख सकते हैं C0 प्लस CN-1, उसको क्या लिखते हैं n-1 अपॉन CN-1, तो वो C1 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे लास्ट में तो 0 अपॉन C0 को CN लिख सकते हैं, ये भी सेम ही है S, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2S n+0 अपॉन C0, तो n अपॉन C0 प्लस n-1+1, तो n अपॉन C1 n अपॉन C2 ऐसे करके n अपॉन CN, n कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा इसके साथ में ए एन बच जाएगा सारा का सारा, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा n अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा an, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अब आता है सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, इसने क्या पूछा है सम ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ये कोई एक्सपेंशन दे रखा है तो पहले तो पता करना पड़ेगा कि कौन से रैशनल नंबर होंगे, कौन कौन से टर्म में रैशनल आएगा, तो अपन टी आर प्लस 1 निकाल लेते हैं, 15 CR 3 की पावर 1 अपॉन 5 की पावर 15 माइनस R 2 की पावर R/3, क्या आ गया 15 CR 3 की पावर 1/5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस R/5 2 की पावर R/3, तो यहाँ से ये पावर भी रैशनल होनी चाहिए, ये भी इंटीजर होनी चाहिए, ये भी इंटीजर होनी चाहिए, तभी रैशनल बनेगा। तो R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, 0, 3 का मल्टीपल 0, 3, 6, 9, 12 और 15। अब ये इसको भी तो सेटिस्फाई करने चाहिए ना, तो R का वैल्यू 0, देखो 3 आ जाएगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, 3 नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 12 नहीं करेगा, 15 वाला कर जाएगा, 15 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0, R का वैल्यू 0 और R का वैल्यू 15, तो T1 क्या आएगा इसमें, इसी में लिख देते अपन T1 0 रखना है ना, R की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15C0 1, और ये यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 की पावर 3, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, प्लस 15 T15, लास्ट वाला टर्म निकाला T15+1, तो यहाँ पे 15 रखेंगे 15C15 1, 3 की पावर 15 रखोगे तो 3-3 0, तो ये 1 हो जाएगा, ये 15 रखोगे तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, और ये 2 की पावर 5 32, तो आंसर कितना आ गया 59, तो इसका आंसर आ जाएगा 59। नेक्स्ट है अपने पास में, ये कोई एक्सपेंशन दे रखा है 1+2x+3x² की पावर 10, इसको क्या करना है, इसमें से इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, A1 का मतलब A0 गायब कर देते हैं डिफरेंशिएट
करके, तो क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन करने, टेन वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर की पावर नाइन, एक कम हो जाएगी और अब इस अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दो, टू प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू जी ए जीरो का तो जीरो हो जाएगा, ए वन एक्स का ए वन और बाकी ए टू, टू ए टू एक्स ऐसे आते जाएंगे, सब में एक्स आएगा। अब एक्स की जगह जीरो पुट कर दो तो ये टर्म गायब, ए वन बचेगा तो इधर ए वन का वैल्यू आ जाएगा, जीरो पुट करोगे तो ये वन और यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो टू, तो टेन इंटू टू और इधर बचा है अकेला ए वन, तो ए वन का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास में 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड के अंदर क्या है 27 टू द पावर 40, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और उसकी पावर 40, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 120। अपने को 12 से डिवाइड करना है तो अपन क्या लिख लेते हैं इसको 3 इंटू 3 की पावर 119, 3 इंटू 3 को क्या लिख दे 4 माइनस 1 की पावर 119, 3 इंटू, अब देखो इसके अंदर एक्सपेंशन करोगे बाइनोमियल से तो लास्ट सेकंड लास्ट टर्म तक क्या आएंगे 4 या 4 की कुछ ना कुछ पावर आएगी ऐसे, और लास्ट वाला टर्म क्या आएगा 4 की पावर 0 और माइनस 1 की पावर 119, तो वो क्या हो जाएगा माइनस 1, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर या कॉन्स्टेंट बनेगा ना, तो उसको लिख दो 3 इंटू 4 के माइनस 1, ये कितना हो गया 12 के माइनस 3। अब इसमें से 12 से डिवाइड करना है तो नेगेटिव में तो लेंगे नहीं, 12 के माइनस 1 प्लस 12 माइनस 3 ऐसे लिख दे, 12 माइनस 3 कितना हो गया 9 के माइनस 1 प्लस 9, 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9, तो आंसर क्या हो गया 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, द डिस्टिंक्ट टर्म कैलकुलेट करना है अपने को, पहले तो सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, x पावर 4 आएगा सिंपलीफाई करेंगे, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर है नीचे तो 60, अब ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स होल स्क्वायर कर देते हैं की पावर 60, ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 120 है ना, तो 120 तो इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी होगी, सारी डिस्टिंक्ट ही होगी तो कितने हो जाएंगे 121 टर्म्स हो जाएंगे टोटल टर्म्स, और सारी डिस्टिंक्ट होगी 121 किसके इक्वल है पी स्क्वायर के, तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 25 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ 25 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच ऑल द टर्म्स आर नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 1900 एंड 2000 एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज, चलो फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं इसका ए, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी ऐसे चलते जाएंगे, नाइन्थ टर्म क्या आएगा ए प्लस एट डी, वो कितना है 55। अब क्या हो जाए सम ऑफ 25 टर्म, पहला फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस डी है, सम ऑफ 25 टर्म्स क्या आ जाएगा 25 बाई 2, 2 ए प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू डी, ये कितना है सम, ये किसके बीच में है सर एग्जैक्ट 2000 और 1900 के बीच में ये सब सम आ रहा है। अब यहाँ से ए का वैल्यू या बी डी का वैल्यू किसी का भी रिमूव कर दे अपन, 1900 25 या ए टू कॉमन लेके कैंसिल कर दिया ए प्लस 12 डी, तो ए का वैल्यू रख दो 55 माइनस 8 डी प्लस 12 डी, तो कितना हो गया 12 4 less than, अब 25 से डिवाइड कर दो देख कितना आ गया 55 प्लस 4 डी, 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 80,
और उधर कितना आ गया, 19 इंटू 4, सिक्स, फोर इंटू 76, और 55 माइनस करेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा 25, और यहाँ से 21, डी से डिवाइड कर, फोर से डिवाइड कर दो तो 25/4, और ये 21/4, तो कितना आ गया, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट समथिंग और 6 पॉइंट समथिंग के बीच में इंटीजर क्या होगा, 6 ही होगा, तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 6। तो डी का वैल्यू 6 आ गया, अपने को ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे रख दो डी का वैल्यू 8 × 6 48, 48 55 में से माइनस करना, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। इसके साथ ही जेई मेन तो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट पार्ट डिड जेई एडवांस। फर्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ है, उसमें लेट √2 + 1⁻⁷ α + β। अल्फा क्या है, इंटीजर, और बीटा का वैल्यू फ्रैक्शन है 0 से 1 के बीच में। तो अपने को क्या वैल्यू निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 + 1⁻⁷ सेवन है, सेवन। अब अपन एक टर्म मान लेते हैं बीटा डैश, वो क्या मान लेते हैं, √2 - 1, जनरली ही मानते हैं ये फ्रैक्शन में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस करूंगा तब तो ये बीटा का, अल्फा का वैल्यू निकालना है, प्लस करेंगे तो सारे फ्रैक्शन वाले आ जाएंगे, तो अपन क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा डैश, इसमें से इसको माइनस करना है, तो सी जीरो वाला टर्म उठ जाएगा, सी वन वाला टर्म देखो 7c1 √2 / 6 कितना आएगा, 2 to the power 3, तो 8 हो गया, प्लस 2 वाला चला जाएगा तो 3 वाला बचेगा 7c3 √2 / 4, तो कितना आ जाएगा 4, प्लस 7c5 √2 / 2 क्या आ जाएगा 2, और 7c7, और ये इसमें से इतना आया तो इतना है उसमें से आएगा, तो डबल कर दे इसको, 2 × 7c1 1 7 होता है, 7 × 8 56, और 7c3 कितना होता है, 35 × 4 35 × 140, प्लस 7c5 हो गया 7 × 6/2 21 × 2 तो 42, प्लस 7c1 तो ये 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा डेस। अब अपने को पता है बीटा का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, सेम बीटा डेस का भी वैल्यू यही है, बीटा माइनस बीटा डेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से तो छोटा रहेगा और -1 से बड़ा रहेगा, इनके बीच में इंटीजर क्या है, देखो ये इंटीजर है सारा, तो ये अल्फा भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर होना चाहिए, तो बीटा माइनस बीटा डेज का वैल्यू क्या आ गया, 0, तो बीटा इक्वल टू बीटा डेज। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कैसे निकला, ये तो 0 हो गया, तो ये जो भी वैल्यू आ रही कैलकुलेट करने पर वो किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू। चलो इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ बीटा इंटू बी अल्फा प्लस बीटा, तो अपने को पता है बीटा बीटा का वैल्यू बीटा डेज के इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 + 1 to the power 7, और बीटा क्या है, बीटा डेज के इक्वल, बीटा डेज किसको अज्यूम किया था, √2 - 1 की पावर 7 को, अब ये दोनों मर्ज होंगे तो पावर होल पावर बन जाएगी 7, तो √2 - 1 × √2 + 1 तो 2 - 1 की पावर 7, तो क्या आ गया, 1, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर इसमें आ जाता है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या करना है अपने को, फर्स्ट 100 टर्म का सम दे रखा है, पहले तो
ठीक है, 100 टर्म का सम को क्या लिख लेते हैं, एस 100 कितना है, -1। एस 100 क्या होता है, 100 बाई 2 मीन्स 15, और 2a प्लस एन माइनस वन, 100 माइनस वन 99 इंटू डी, एक इक्वेशन तो ये मान लेते। दूसरा क्या है, इवन टर्म्स लाइंग इन फर्स्ट 100 टर्म, फर्स्ट 100 टर्म में इवन टर्म कौन कौन सी आएगी, ए प्लस डी आएगी, ए प्लस 3d आएगी, ए प्लस 5d आएगी, ऐसे करके ए प्लस 99d आएगी ना, इनका सम निकालना, कितने टर्म हो जाएंगे इवन, टोटल 100 है तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 50 बाई 2, और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म कर दे 2a प्लस 100d इक्वल टू 1। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो कितना हो गया, 50 इंटू ए प्लस 50d इक्वल टू 1। देखो 2a प्लस 99d, a प्लस 50d इक्वल टू 1, दो इक्वेशन आ गई, a और d के वैल्यू आ जाएंगे, a और d के वैल्यू आ जाएंगे तो बाकी जो भी डिटेल मांग रहे हैं बता देंगे अपन। कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू है, फर्स्ट टर्म a का वैल्यू है, और 100 टर्म निकालना हो तो क्या लगा देना आप, ए प्लस 99। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 6, दो पॉजिटिव नंबर है मान लेते ए और बी, दो पॉजिटिव नंबर है, इनका जीएम ए बी का रूट होगा वो कितना है, 6, तो ए बी क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर में 36। आगे क्या है, देयर ए एम इज ए, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2, एंड देयर एच एम इज एच, तो एच क्या हो जाएगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी को अपन लिख सकते 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, ए इंटू एच का वैल्यू क्या आ गया, 36। एक रिलेशन अपने पास में ऑलरेडी ये गिवन है, दूसरा ये आ गया, यहाँ से a और h की वैल्यू आ जाएंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 9/2 देन वैल्यू ऑफ पी, इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म क्या है, पी ए अपॉन 1 माइनस आर, आर का वैल्यू 1 बाई पी इक्वल टू 9/2, पी माइनस 1 ऊपर जाएगा पी स्क्वायर इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते साथ साथ में, तो 9 इंटू 1 माइनस, सॉरी पी माइनस 1, 2p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 9 इक्वल टू 0, फैक्टर क्या आ जाएंगे, 6 और 3 हो जाएंगे इसके, तो p के वैल्यू भी आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, 2p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 3p प्लस 9 इक्वल टू 0, तो एक तो वैल्यू आ जाएगा p का 3, और दूसरा 3/2, तो ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है इसमें, 100c1 स्क्वायर एंड 2 इंटू 100c2 स्क्वायर, ऐसी कुछ टर्म्स दिख रही है, स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब दो बाइनोमियल सीरीज अपने पास में मल्टीप्लाई होगी, कुछ देखो कोफिशेंट भी दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है इसके पास में, यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह भी हुआ होगा, तो अपन लिख लेते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं 1 + x^n का एक्सपेंस, n की जगह 100 ही डाल देते हैं सीधे से, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर, ऐसे करके c100 x की पावर 100, डिफरेंशिएशन कर देते लगते हाथ इसको भी, तो कितना आएगा 100 1 + x^99, ये जीरो हो जाएगा, ये c1 प्लस ये 2c2x, ऐसे करके ये हो जाएगा 100 c100 x^99। अब देखो इसमें तो c1 और c1 मल्टीप्लाई हो गए तो x बनेगा, इसमें c2 x³ बनेगा, तो वो पैटर्न नहीं मिल पाएगा, तो अपन क्या करते हैं इसको एक बार x+1 का कोफिशिएंट लिख देते हैं, वो क्या बन जाएगा, c0 x^100 c1
एक्स की पावर 99 प्लस सी टू एक्स की पावर 98 ऐसे करके सी 100। अब देखो सी जीरो था है नहीं, सी वन है, सी वन इंटू सी वन एक्स टू द पावर 99, एक्स की पावर 99 है, टू सी टू इंटू सी टू, टू सी टू स्क्वायर एक्स टू द पावर 99। तो ओवरऑल जो अपने को टर्म ये पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या है, यहाँ से एक्स की पावर 99 का कोफिशिएंट, इधर से एक्स की पावर 99 है तो वहाँ से भी एक्स की पावर 99 ही होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 इंटू वन प्लस एक्स की पावर 99 और 100 199, तो एक्स की पावर 99 का कोफिशिएंट क्या आ गया, 100 इंटू 199 सी 99। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ये तो सीधे सीधे दिख गए, अब इनको थोड़ा इधर उधर करके अपने को मैच कराना है। चलो इसमें क्या करता हूँ, मैं 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 200 से डिवाइड भी कर देता हूँ, 199 सी 99। अब देखो ये 200 अपॉन 100 इसके साथ में मिल गया, ये तो ये क्या बन गया, 200 सी 100, 100 बाई 2 तो ये कितना हो गया 50, ये भी मैच कर गया और ये हो जाएगा गलत, और इसको ओपन करोगे ना तो वो भी मैच कर जाएगा फर्स्ट। इस तरह से 1, 3 और 4th क्वेश्चन आप ऑप्शन आपके सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो, द वैल्यू ऑफ 1000 सी 50 199 सी 49 998 सी 48 ऐसे करके यहाँ तक चल रहा है, अपने को इन सबको ऐड करना है सीधे सीधे, तो ऐड कर एक फॉर्मूला होता है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, तो ये क्या बन जाता है एन प्लस वन सी आर प्लस वन, मतलब ऊपर वाली सेम होनी चाहिए और इनमें एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो इसको ऐसे लिखते हो 951 सी 0 सेम, ये भी वन होता है ये भी वन होता है। अब देखो ये अपना काम कर जाएगा, दोनों जगह सेम है, यहाँ पे एक का डिफरेंस है, तो ये क्या बनेगा 952 सी 1, उससे पहले वाला टर्म क्या है 952 सी 2 है, ये देखो फिर से एक का डिफरेंस आ गया तो 953 सी 2 बन गया, फिर इससे पहले वाला क्या है 953 सी 3 है, इससे इससे जस्ट पहले वाला, तो ये ऐड हो गया तो क्या बनेगा 954 सी 3 ऐसे करके इसके लास्ट तक पहुंचेगा तो क्या बनेगा 100,000 सी 50 प्लस 1000 सी 49, ये बनेगा, एक कम बन रहा है ना इससे, तो ये कितना आ गया, इसमें एक ऐड कर दो ऊपर दो सी और इसमें 50 वाला, कौन सा सी हो गया अपना, एक ऑप्शन पहला ही सही हो गया, और 50 माइनस 1001 करेंगे तो कितना आ जाएगा 951, तो ये भी सही हो जाएगा। ऐसे ही इनमें से कैसे करोगे, ये देखो 1002 इसको मैं लिख लेता हूँ सी 51 और ये सी 51। अब देखो इसको इसी तरह से ब्रेक कर देते हैं अपन, क्या करेंगे सी 51 और 1000 सी 50 ऐसे लिखते, ये और ये मिलके सेम बन गया और इसमें एक माइनस का हो रहा है, माइनस वाला यहाँ पे लिखो सी 51, ये और ये दोनों सेम हो गए ना, ये प्लस का और ये प्लस माइनस का 1001 सी 50 यही तो आ रहा था, तो ये भी सेम है, इसी तरह इसको भी चेक कर लेना, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या करना है अपने को, ये एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, उसका एक्सपेंस करके इसके इक्वल दिया हुआ है, तो अपने को A0 A5 ये सब वैल्यू कैलकुलेट करनी है। A0 क्या है देखो, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म ही है सारे, इनमें तो x और 1/x आ रहा है, A0 क्या है कांस्टेंट, तो अपना मोटिव रहेगा कि इसके अंदर से कांस्टेंट टर्म निकाल लें, तो वो कैसे निकालो, देखो इसका एक्सपेंशन कर दूं मैं 6C0 एक्स प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 6C1 एक्स प्लस 1/x की पावर 5 प्लस 6C2 एक्स प्लस 1/x की पावर 4 ऐसे करके 6C6 इंटू एक्स प्लस 1/x की पावर 0, तो एक तो कांस्टेंट टर्म ही आ गया। अब देखो इनमें किस किस में आएगा, इसमें आएगा कांस्टेंट टर्म, x की पावर 6 पहले में आएगा,
इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे आएगा, एक्स की पावर 6 आएगा, एक्स की पावर यहाँ से आएगा 5 और नीचे किससे डिवाइड हो जाएगा, एक्स से, इसमें से एक्स आएगा ना, और यहाँ पे एक्स की पावर 4 और इससे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स क्यूब और यहाँ से भी एक्स क्यूब। इसका मतलब इसमें एक टर्म आएगा ना इवन वाले में, उसमें क्या आएगा अपने पास में एक्स आएगा कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा आएगा, मिडिल वाला आएगा, मिडिल वाला कौन सा है, फोर्थ टर्म, सेवन टर्म है ना, तो 6c0 इंटू 6c4। फिर इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा फोर वाले में 6c2 इंटू 4c3, यही आएगा 4c3, 4c2 सॉरी, एक्स प्लस 1/4c2। फिर 6c4 वाले में आएगा, 6c4 वाले में क्या आएगा एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 6c6 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू अपने पास में a0 का, इन सबको कैलकुलेट करोगे ना तो a0 का वैल्यू आएगा 1/4। ठीक है, अब लगे हाथ देखो a5 क्या है, एक्स की पावर 5 का कॉन्स्टेंट है, एक्स की पावर 5 इसमें नहीं आएगा, इसमें किसी में नहीं आएगा, बस इसी में आएगा अकेले में, तो वो क्या आ जाएगा a5। 6c1 तो है ही मल्टीप्लाई में, और ये क्या है 5c0, 5c0 ही आएगा x की पावर 5 का कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, ये तो 1 हो गया और ये 6 हो गया, तो a5 का वैल्यू क्या हो गया अपने पास में 6। अब देखो अपने को निकालना है ai प्लस bi है ना, a1 प्लस b1, एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये ai प्लस bi बन जाएगा, देखो a2 प्लस b2 a6 प्लस, तो ओवरऑल अपने को करना क्या है x का वैल्यू 1 पुट कर देना है। ये सारी चीज़ें तो अपने को बतानी है, बस ये a0 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1/1 + 1 की पावर 6 प्लस a इक्वल टू a0, a0 का वैल्यू अपने पास में है 141 और बाकी ये सब सिग्मा ai प्लस bi, तो इसका वैल्यू 141 इसमें से माइनस कर देना 3 की पावर 6 - 141, ये आ जाएगा ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 7th पे चलते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ, इसका एक्सपेंशन चेक करना है, इसमें अपने नंबर ऑफ इरेशनल टर्म ये सब बताना है, वो निकालने के लिए सबसे पहले तो TR लिख लो, TR प्लस 1 लिख लो, जनरल टर्म क्या आएगा 20CR 4 का क्यूब रूट है ना 20 - R/3 हो जाएगा, और 6 का क्या है फोर्थ रूट है लेकिन माइनस में, तो 6 की पावर माइनस R/4 यही आएगा। अब इसमें अपने को क्या बताना है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, तो ये सब क्या होनी चाहिए इवन इंटीजर, सॉरी इंटीजर्स पावर होनी चाहिए ना, तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यहाँ पे 0 हो सकता है एक, तो फिर 4, 8, 12 और 16, 20 यही हो सकता है 6 वैल्यू। अब ये इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 पुट करोगे 20/3 ये रैशनल नहीं बना, 4 पुट करोगे तो 16/3 ये भी नहीं बना, 8 पुट करोगे तो 12 12/3 4, तो 8 एक आ गया अपने पास में, 12 पुट करोगे तो 8/3 नहीं आएगा, 16 4/3 20 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो एक आ गया अपने पास में 20, तो आर के वैल्यू 2 होंगे वहाँ पे, क्या हो जाएगा रेस्टल, तो 2 क्या आ जाएंगे रेशनल टर्म आ जाएगी, और टोटल 21 टर्म है इसमें, तो 19 कैसे हो जाएगी इरेशनल टर्म बची हुई, 8 आर का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो T9 आएगा ना, T9 कैसा है रैशनल है, बिल्कुल सही है, और एक ऑप्शन ये बस गया मिडिल टर्म इज इरेशनल, मिडिल टर्म कौन सा आएगा 11th आएगा, तो R इक्वल टू 10 पे, 10 पे तो इरेशनल ही आएगा, तो ये भी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ओनली 6th टर्म इन द एक्सपेंशन when x equal to 3 is numerically greatest term then the possible integral value, तो देखो 6th term बता रहा है,
तो जो पी का वैल्यू है ना वो क्या होना चाहिए अपने पास में, 6 से छोटा और 5 से बड़ा। इक्वल नहीं लेंगे, इक्वल लेंगे तो दो टर्म हो जाएगी ना, ओनली 6 टर्म बोल रहे हैं। चलो पी का वैल्यू क्या होता है, एन प्लस वन अपॉन 1 प्लस एक्स बाई ए, 3 बाई टू अपॉन एक्स बाई थ्री, मोड आता है ना, लेस देन 6 ग्रेटर देन 5, एन प्लस वन। एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है अपने को, 3 पुट करना है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बाई टू, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ये बन जाएगा 5। यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लेंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है सिंपल। अब आता है सेक्शन सी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इंटीजर टाइप है। इफ द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल इज, सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म क्या होगा, टी फाइव प्लस वन एट सी फाइव, इसके ऊपर पावर 5 आएगी, सॉरी 3, 8 माइनस 5 3 आएगी, तो ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 8 बच जाएगा ये, और इस पे क्या लगेगी, पावर 5 लगेगी, तो एक्स की पावर 10 बनेगा एक, तो 2 का ऊपर पावर 5 लगेगी, तो और एक बनेगा लॉग बेस 10 एक्स की पावर 5, ये बचेगा एक्स स्क्वायर कट पिट के, और ये कितना आता है अपना 56 आता है, 5600 = 56 एक्स स्क्वायर लॉग बेस 10 एक्स का पावर 5, 56 से ये कैंसिल होगा तो 100 बनेगा। अब देखो x का वैल्यू 10 पुट करोगे तो ये 1 और ये 100, तो x का वैल्यू 10 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2, लेट a1 a2 a3 बी इन AP एंड a1 इक्वल टू 1 a10 2 इक्वल टू 405, तो d अपन मान लेते हैं इसमें इसका कॉमन डिफरेंस, तो a102 क्या आ जाएगा, a1 1 + 101 × d, इसका वैल्यू क्या है 405, तो 101 × d, 1 इसमें से माइनस होगा तो 404, 404 में 101 का डिवाइड करेंगे तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास में 4, d का वैल्यू आ गया अपने पास में। अब क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसी फॉर्म में दिया होगा इसने a1 square - a2 square, तो इसको फैक्टर कर दे इसके a1 - a2 और a1 + a2, सेकंड वाले में क्या हो जाएगा a3 - a4 × a3 + a4, ऐसे करके चलता जाएगा। देखो a1 - a2 फर्स्ट में से सेकंड टर्म निकाल रहे, तो माइनस डी आएगा, -4 - 4 सब में से कॉमन आएगा, मोड लगा हुआ तो 4 ले लो बाहर, a1 + a2 a3 + a4 ऐसे आएगा, a1 + a2 a3 + a4 ऐसे चलता जाएगा, लास्ट टर्म क्या आएगा a101 + a102, यही आएगा। अब ये क्या है, सम है 100 टर्म का, 4 102 टर्म का, 102 / 2 a1, a1 है 1, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म a102 405, 406 आएगा, इसके फैक्टर कर लेना, सिंपलीफाई करके फैक्टर करना और उनको 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, प्राइम के इसने लिखा है ना, प्राइम नंबर, pi क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देना और फिर इन सब का सम निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एबीसी बिलोंग्स टू आर माइनस 0, लेट एबीसी आर इन एपी देन अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है और ये किस में है, तीनों एपी में, तो इसमें से क्या होगा, बी माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल कर देते हैं बस और कुछ नहीं, 1 माइनस बी सी माइनस बी, यहाँ देखो बी
माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन वन माइनस ए बी इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा बी प्लस सी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर सी अपॉन वन माइनस बी सी, बी बी कैंसिल, यहाँ से भी बी बी कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा माइनस ए कॉमन लोगे तो वन प्लस बी स्क्वायर वन माइनस ए बी, यहाँ से क्या आएगा सी कॉमन लोगे तो वन प्लस बी स्क्वायर वन माइनस बी सी। अब मल्टीप्लाई कर दो या फिर ए इंटू बी सी माइनस वन इक्वल टू सी इंटू वन माइनस ए बी, ए बी सी आएगा इसमें माइनस का इधर ए बी सी प्लस का, तो क्या बन गया टू ए बी सी, इधर आएगा ए माइनस का उधर है सी प्लस का, तो क्या बन गया सी प्लस ए, ये रिलेशन आ गया अपने पास। अब चलो इस पे चलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, अल्फा बीटा इसके रूट है तो वैल्यू किसका पूछा है अपने को, वन प्लस अल्फा और वन प्लस बीटा, वन प्लस अल्फा वन प्लस बीटा क्या हो गया वन प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये होगा मल्टीप्लाई करने पे। अल्फा प्लस बीटा इसके सम ऑफ रूट है क्या है टू ए बी सी अपॉन टू ए सी माइनस के साथ में, तो क्या हो गया माइनस का बी हो गया और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट ए प्लस सी अपॉन टू ए सी, ए प्लस सी अपॉन टू ए सी, इसमें से कुछ रख सकते हैं अपन, ए प्लस सी का वैल्यू ये रहा टू ए बी सी वन माइनस बी प्लस ए अपॉन टू ए सी, बी प्लस का बी माइनस, तो आंसर क्या आ गया वन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, इसमें क्या करना है अपने को टी हंड्रेड और एस हंड्रेड दो वैल्यू देके रखी है सिग्मा के फॉर्म में और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अपने को बेसिकली चीज़ है इनके अंदर कोई रिलेशन होगा उसी को फाइंड आउट करना है। एस हंड्रेड देखो क्या लिखा होगा, जीरो रखेंगे तो जीरो अपॉन सी जीरो की पावर फाइव, वन रखेंगे तो वन अपॉन सी जीरो की सी वन की पावर फाइव, टू रखेंगे तो टू अपॉन सी टू की पावर, ऐसे हंड्रेड अपॉन सी हंड्रेड की पावर फाइव। अब इसको रिवर्स करके लिख दे तो चलो ये भी लिख दो, एस हंड्रेड हंड्रेड अपॉन सी हंड्रेड, सी हंड्रेड को मैं सी जीरो लिख दूँ, देखो इनको ऐड करने में आसानी होगी, सी जीरो की पावर फाइव, फिर क्या आएगा 99 अपॉन सी 99, सी 99 को सी वन लिख देते हैं, 98 अपॉन सी 98 तो सी टू की पावर फाइव, और ये क्या बन जाएगा लास्ट वाला जीरो अपॉन सी जीरो, सी जीरो को लिख दो सी 100 की पावर फाइव। अब इसको ऐड करेंगे तो 100 प्लस वन 100 प्लस जीरो 100, 99 प्लस वन 100, 98 प्लस टू 100, जीरो प्लस 100 100, सब में 100 आ रहा है, सी जीरो की पावर फाइव, सी वन की पावर फाइव, सी टू की पावर, सी 100 की पावर, ये किसका वैल्यू है, इन दोनों को ऐड किया तो टू टाइम एस 100 की वैल्यू है, ये गौर से देखो टी 100 ये, तो टू टाइम एस 100 इक्वल टू 100 टाइम ऑफ टी 100, एस 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया टू एस हंड्रेड टी हंड्रेड इंटू हंड्रेड, एस हंड्रेड से डिवाइड करोगे तो इधर क्या बच जाएगा टू आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव, एक इनइक्वालिटी दी हुई है अपने को इसके अंदर, इसको सिंप्लीफाई करना, एम सी थ्री प्लस एम सी फोर, देखो ये मिलके क्या बन जाएगा अपने पास में एम प्लस वन सी फोर, ठीक है इज ग्रेटर देन एम प्लस वन सी थ्री, सिंपल एम प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल और एम माइनस थ्री फैक्टोरियल ग्रेटर देन एम प्लस वन फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल और m माइनस टू फैक्टोरियल, ये हो जाएगा
एम प्लस टू एम प्लस वन माइनस थ्री, एम माइनस टू एम माइनस थ्री, कौन सा बड़ा है, एम माइनस टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये एम प्लस वन, ये तो एजिटी ही कैंसिल हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया फैक्टोरियल, फोर फोर बच जाएगा बस, यहाँ पे वन बाई फोर बचा है और यहाँ पे वन अपॉन एम माइनस टू, इधर उधर कर लो, एम माइनस टू इज ग्रेटर देन फोर, एम इज ग्रेटर देन सिक्स, लीस्ट वैल्यू ऑफ एम, तो एम का लीस्ट वैल्यू बताना है, इंटीजर ही होगा एम, देखो इसमें ये सब इंटीजर ही होता है डोमेन, तो एम का वैल्यू क्या आ जाएंगे, सेवन एट नाइन ऐसी वैल्यू जाएंगे, तो लीस्ट क्या हो गया सेवन, तो आंसर क्या हो जाएगा सेवन। इसके साथ फिर आपका माइनर डी सी एम का नाइन्थ कंप्लीट होता है सॉल्यूशन। थैंक यू।